आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीटी एलएम पीजी 2024 के लिए द मोस्ट ऑक्यूरेट द मोस्ट प्रिडिक्टेबल आप कह सकते हो कट ऑफ, जो कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीबीएयू और बाकी कॉलेजेस की जा सकती है, बेस्ड अपॉन द प्रोविजनल आंसर की, जिसके बेसिस पे आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स मुझे सबमिट करे कि मैंने सर इतने नंबर स्कोर करे, और उसके बेसिस पे मैंने एक सर्वे यहाँ पे कंडक्ट करा जिसमें कि मेरे पास कम से कम 210-220 स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा आया, जिसके बेसिस पे मैंने ये चीज कैलकुलेट करी कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में और बाकी जगहों पे क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग लास्ट तक देखिए, और इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी ये भी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे मैं नंबर आपको बताने वाला हूँ वो एक्यूरेट यहाँ पे थोड़ा सा नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे कई चीजें चेंज हुई है आंसर की के अंदर, वो फैक्टर यहाँ पे प्ले में आएंगे, प्लस जो रियल अभी उसमें चीजें होंगी आपका जब कॉलेज में यहाँ पे जाती है तो कौन कौन से फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं जब यहाँ पे सीट का अलॉटमेंट होता है, और बाकी यहाँ पर जो और भी फैक्टर्स होते हैं मिला जुला कर सारे फैक्टर्स मैं आपको बताते हुए कट ऑफ भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि क्या लाइकली चांस है कि आपका किस कॉलेज में हो जाएगा, किस में नहीं होगा, कब आपको अप्लाई करना चाहिए कॉलेज के लिए, कब आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, हर कैटेगरी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की। तो पूरी बात मैं डिटेल करूंगा, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और साथ ही में संभव लॉ के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इस बात से कि यहाँ पे सर्वे क्या था, यहाँ पे क्राइटेरिया कौन कौन से जो आपको देखने पड़ेंगे। पहली बात आप ये समझिए कि दीज आर द कोड्स, ये कोड्स हैं उन क्वेश्चंस के जो कि आइदर इसमें क्या है कि यहाँ पे मान लो आंसर या तो गलत है इस पर्टिकुलर उसमें इस क्वेश्चन में, या फिर क्या है कि जो क्वेश्चन इटसेल्फ है, क्वेश्चन इटसेल्फ में जो उसकी लैंग्वेज यूज की गई है उस लैंग्वेज में ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उस क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए, बट वो एनटीए के डिस्कशन पे है कि डिलीट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर जो क्वेश्चन है वो ऑल टुगेदर गलत है पूरा, मतलब वहां पे स्टेटमेंट जितनी भी हुई है सारी स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन उसके दिए हुए वो भी गलत है, तो उसके लिए अगर आप आंसर कुछ भी मार्क करोगे तो वो जो चार ऑप्शन है उसमें वो आंसर वो माना ही नहीं जाएगा, मान्य नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन फिर से डिलीट होना चाहिए। तो बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पे ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे जिसपे की डाउट है, जिसकी वजह से जो भी मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ या स्कोर स्टूडेंट बताऊंगा उसमें आपको एक वो पूरा मान के चलना पड़ेगा कि चेंजेस आएंगे, बिकॉज फाइनल आंसर की के अंदर सब चीजें रिजोल्व होने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जिसमें से हो सकता है अगर मान लो कहता हूँ मैं कहता हूँ दो क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप हो गया, अगर दो क्वेश्चन भी ड्रॉप हो गए ना, पता है क्या होगा ड्रॉप होने से, क्या होता है ड्रॉप होने से, आपका एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया 8 मार्क्स, 8 मार्क्स आपके सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगे। ये नहीं होगा कि मान लो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा तो आपको वो पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है, अगर आपने अटेम्प्ट करा हो अटेम्प्ट ना करा हो डजेंट मैटर, वो 4 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सारे कैंडिडेट्स को बराबर मिल जाएंगे, अगर यहाँ पे 10,000 कैंडिडेट्स ने दिया नंबर, सारे 10,000 कैंडिडेट्स को 8 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी पता है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन एनटीए ने अपनी तरफ से ड्रॉप कर दिए थे, तो टोटल में वहां पे वो 12 नंबर वो हो गए, प्लस यहाँ पे 2 क्वेश्चन मान लो और ड्रॉप होते, जो कि मुझे लगता है प्रेडिक्टेबिलिटी है, आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो जहां पे हम लोग ने संभव लॉ की टीम ने डिस्कस किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन पे हमको डाउट है कि चैलेंज होना चाहिए, कौन सा ड्रॉप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आप देख सकते हो। बेस्ड अपॉन दैट एक वेट अगर मैं आंसर लेता हूँ तो 2 क्वेश्चन और ड्रॉप होकर 8 नंबर आपके यहाँ पे और जुड़ेंगे, और टोटल जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा कि 20 नंबर सीधे सीधे यहाँ पे आपके जो है बेस वो बन जाएगा, मतलब 20 नंबर से शुरुआत होगी कि सारे स्टूडेंट्स के जिसने मान लो एक क्वेश्चन भी सही नहीं करा उसके में 20 नंबर आ रहा है, और उसके बाद से फिर कैलकुलेशन शुरू होगी। ये यहाँ पे फंडा रहना चाहिए, अगर एनटीए ने ये माना कि हाँ भैया ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ये क्वेश्चंस के अंदर हमको डिफॉल्ट यहाँ पे गड़बड़ लगती है, एंड बेस्ड अपॉन दैट हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये क्वेश्चंस को हमको जो है एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलॉट करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आंसर की को चेंज होना चाहिए, मतलब अगर आंसर मान लो ऑप्शन 4 है तो उसको ऑप्शन 2 होना चाहिए, अगर ऑप्शन 3 है तो उसको ऑप्शन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो भी चीज यहाँ पे फैक्टर में आएगी, तो कई स्टूडेंट्स आप में से होंगे जिन्होंने एक आंसर मार्क करा उसके साथ साथ प्रोविजनल आंसर की देख के अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर, अब अगर आंसर की फ्लिप कर गई तो फिर वो मार्क्स आपके कम हो गए, और जो दूसरा स्टूडेंट होगा जिसने कि कोई और आंसर दिया होगा उसके मार्क्स यहाँ पे बढ़ गए, तो फिर उससे आपको प्रॉब्लम समझ में आती है कि कितना दिक्कत होती है यहाँ पे ये कह पाना कि क्या होगा, मतलब क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे रिजल्ट सबमिट करा है, जो सर्वे मैंने कंडक्ट करा है वो बेस्ड अपॉन गलत इनपुट है बेसिकली कुल मिला के, बिकॉज प्रोविजनल आंसर की उसके बेसिस पे आप बात कर लो तो वो गलत है, ठीक है। हो सकता है उसमें 2-3 आंसर चेंज हो जाए, ऑप्शन चेंज हो जाए, फिर यहाँ पे वो ऐड हो जाए, तो चलो मान लो मैं कहता हूँ ड्रॉप हुआ क्वेश्चन तो मैंने उसमें 5-10 नंबर बढ़ा के कट ऑफ बता दिया, चलो वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब आंसर का ऑप्शन ही चेंज हो जाएगा तो आपको दोबारा से मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे,
और जब आप दोबारा से मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो एक एक क्वेश्चन चार चार मार्क्स का है, और एक चार नंबर के मार्क्स से पूरे पूरे रैंक ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप ये समझ रहे हो। तो इस वजह से प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे अगर आपने सर्वे करवाया और उसके हिसाब से अगर आप एक प्रिडिक्शन देने की कोशिश कर रहे हो कि एक आंसर मतलब एक आपका कट ऑफ क्या जाएगा, इट इज वेरी वेरी हार्ड टू डू। और हर स्टूडेंट देखिए उसका अलग एक वो होता है, कई स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे, वो लोग जाएंगे उन्होंने पुराने मार्क्स के बेसिस पे ही अपना रिजल्ट सबमिट कर दिया, कई स्टूडेंट्स ने नए उसके हिसाब से सबमिट कर दिया, कई स्टूडेंट्स आप में से ऐसे जिनको की थोड़ा सा वीडियो उन्होंने देखा थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए, हो सकता है मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं करा, जिस वजह से आंसर उन्होंने जो सबमिट करा उसमें उन्होंने वो 12 नंबर ऐड नहीं करे, किसी ने कुछ करा किसी ने कुछ करा। तो इतना वेरिएशन होता है कि आप उसमें एक सॉलिड एक आप कह सकते हो ना स्टडी कर पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं पहले ही आपको ये सब फैक्टर्स इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि जो यहाँ पे मैं आपको एक नंबर दूंगा कि हाँ भैया दिस इज द नंबर जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं एक श्योरिटी के साथ कि इसके ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका होने का कट ऑफ चांस है, दैट इज विद अ बिग इफ। इफ यहाँ पे बहुत बड़ा लगा हुआ है बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए, नंबर ये सब कुछ। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, और मेरी जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि चले आप मान लीजिए जो किस्मत है उसके हिसाब से आप अपना हौसला बनाए रखिएगा। आप लोग अगर आपके एक पर्टिकुलर सर्टेन लेवल पे मार्क्स आ रहे जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अगर आपके मार्क्स आ रहे तो आप कॉलेज में अप्लाई जरूर करना, फिर उसके बाद जो है वो ऊपर वाला आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, जो भी अपना प्रोसीजर होगा जो भी आपकी हेल्प होगी वो मैं पूरा करूंगा। मेरा नंबर है को आपको यहाँ पे दिया है 9555896908, आप उसमें मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी काउंसलिंग में पूरी हेल्प करूंगा जो भी मैं कर सकता हूँ, तो आप उसकी टेंशन मत लो। बाकी अब चलो इस बात को शुरू करते हैं बात करना कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने नंबर लाने पे आपको क्या क्या यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, कैसे आपको मतलब उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ पे मेरा होगा कि नहीं होगा। अब इन चीजों को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर आप लोग संभव लॉ के साथ किसी भी तरीके से एसोसिएटेड थे, चाहे आप हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड थे फुल कोर्स पे, चाहे आपने हमारे मॉक पेपर्स में एनरोल किया हो, चाहे आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के थ्रू कोई भी गाइडेंस मिली हो, कोई भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज आप लोग हमारा संभव लॉ का एक सर्वे है जिसमें कि हम लोग आपसे बस थोड़ा सा फीडबैक चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ यूट्यूब चैनल हम लोग कैसे ग्रो कर पाए, हम लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे वीडियो से कोई भी मतलब या कोर्सेज से कोई भी फायदा हुआ, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो सर्वे जरूर भरें, और जो भी अपना फीडबैक है जो भी अपना एनकरेजमेंट है कुछ भी है प्लीज आप लोग संभव लोग को प्रोवाइड करिए ताकि हम लोग आगे और भी ग्रो कर पाए, और साथ ही में जो आपके एक्सपेक्टेशंस है हम लोगों के प्रति कि आप हमसे क्या चाहते हो वो भी ताकि हमको पता चल सके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों सर्वे फॉर्म जरूर भरें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इस बार प्रिपेयर करना चाहता है सीवीटी एग्जाम के लिए, या मान लो आप क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप मान लो सिम्बायसिस के लिए, आईआईटी खड़गपुर के लिए, आईएलआई के लिए किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारे से संभव लॉ में हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अभी हमारी चल रही है नवरात्रि सेल, नवरात्रि सेल के अंदर नवरात्रि के 9वें दिन तक हम लोग यहाँ पे सेल पूरी रन करेंगे, 9 दिन तक की सेल आपके रन करेगी, 1 दिन अभी हो चुका है। इसमें आपका ये कोर्स आपको 7899 में स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं पर्सनली एज अ मेंटोर आपके साथ अवेलेबल रहता हूँ, पूरे टाइम 24/7 रहता हूँ, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे आपको सारी की सारी टेक्निक्स फॉलो करनी है, कुछ भी करना है मैं आपके लिए रहता हूँ। डाउट सॉल्विंग इसमें पर्टिकुलरली नहीं होती है, बट मेंटोरशिप के लिए मैं पूरे टाइम आपके साथ रहता हूँ। साथ ही में आपको जितने भी एग्जाम से उसके आपको पूरे वीडियो लेक्चर, केस लॉ समरीज सब कुछ मिलेगा, जो आपका स्टडी मटेरियल रीडिंग वाला वो पूरा मिलेगा, हर एग्जाम के एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज होगी, साथ ही में क्लैट पीजी एग्जाम की जिससे आप तैयारी कर रहे हो तो उसके आपको कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉ समरीज, रीसेंट केस लॉ समरीज पूरा कवर हम लोग करके देंगे। साथ ही में अगर आप पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी अगर आपका पीएससी में मान लो रैंक अच्छा आता है, क्लैट में आपका होता है यहाँ पे इंटरव्यू कि उसमें, तो वो भी मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपको, मैं आपको पूरा इंटरव्यू में भी हेल्प करूंगा, तो पूरा ए से लेके जेड तक पूरा मैं सपोर्ट करने के लिए वहां पे रहता हूँ, हम लोग की पूरी टीम वहां पे रहती है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे 7899 में एनरोल कर सकते हो हमारे इस पूरे कोर्स में। और अगर मान लो आप 2025 में सीवीटी एग्जाम की केवल तैयारी कर रहे हो तो उसका स्टडी मटेरियल, उसका वीडियो लेक्चर, उसके आपके जो कंप्लीट आपके मॉक पेपर है वो आपको ₹5,000 में पूरे पूरे अवेलेबल हो जाएंगे। और आपका बेस्ट पार्ट क्या है कि 15 महीने तक कोर्स यहाँ पे वैलिड रहेगा, तो आप अगले साल मई जून जुलाई जब तक आपको यूज करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं बिना किसी उसके। साथ ही में अगर आपको मान लो क्लैट एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो 5499 में कोर्स अवेलेबल है, इसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको मान लो केस लॉ समरी के साथ में आपको मॉक पेपर्स चाहिए तो वो ₹4,000 में अवेलेबल रहेगा।
केवल आपके नवरात्रि सेल के दौरान। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप एनरोल करने का सोच सकते हो। अब चलिए यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एक अगर मान लो सर्टेन स्कोर है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और उसके आगे के प्रोसीजर क्या रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहली बात तो क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा फाइनल और साथ में काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कब होगा। देखो जो आपका रिजल्ट है वो उम्मीद है मुझे एक से लेकर दो हफ्ते में रिजल्ट यहाँ पे फाइनल आ जाना चाहिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फाइनल स्कोर क्या है। अभी आपने केवल प्रोविजनल आंसर की बेसिस पे निकाल के रखा है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनका जो पहला मेरिट लिस्ट निकला था वो अगस्त के फर्स्ट वीक में निकला था पिछले साल, अगस्त के फर्स्ट वीक, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो काउंसलिंग प्रोसेस यूनिवर्सिटी का शुरू होगा दैट विल बी क्वाइट लेट। तो आप मान के चलो कि जून के लास्ट वीक में ये जुलाई के पहले वीक के पहले यहाँ पे काउंसलिंग शुरू नहीं होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बात करो जुलाई जून जुलाई के पहले कुछ शुरू नहीं होगा, तो तब तक आपके पास लंबा चौड़ा टाइम रहेगा, गैप रहेगा। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये भी है कि अगर आपको मान लो एलएलएम एडमिशन लेना ही लेना है तो आप आईएलआई का एग्जाम जरूर देने का सोचो एक बार, और आपका आईएलएट का भी एक और एग्जाम आपका आया है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियोज में, वो भी आप दे सकते हो। तो आपका ये साल बर्बाद ना वो भी आप देख लेना। ठीक है, अब इसमें ये हो गया आने का टाइम आपका, मैंने वो बता दिया, तब तक आपको एक मैं आपको स्कोर का बता दे रहा हूँ। अब फंडा क्या है, अगर आप मान लो अनरिजर्व कैटेगरी में हो, टू ईयर एलएम और थ्री ईयर एलएम के लिए बात करते हो जनरल कैटेगरी में, तो अगर आपका स्कोर 165 से लेके 170 आ रहा है बेस्ड अपॉन द इनकरेक्ट प्रोविजनल आंसर की, जो अभी इनकरेक्ट प्रोविजनल आंसर की है जिसमें पता है कि दो क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है, दो क्वेश्चन का फ्लिप हो सकता है, उसमें अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप अभी होपफुल रहो, आपका अच्छा खासा चांस है कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे पहली बात तो कट ऑफ और ऊपर जाएगी जब दो क्वेश्चन गलत होंगे, उसके बाद ये भी होगा कि यहाँ पे दो या तीन क्वेश्चन का आपका आंसर की फ्लिप हो जाए, जिससे कि हो सकता है आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पे होपफुल रहना है, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, होपफुल आपको रहना है इस बात में, 165 से 170 आ रहा है आप इसमें वो रहो, और अगर मान लो आपका स्कोर समवेयर अराउंड 190 है या उसके ऊपर है तो आपका करीब मान लो 90% चांस है कि आपका हो जाएगा, 90% चांस है कि आपका हो जाएगा प्लेन एंड सिंपल, 190 के ऊपर अगर है, सिंपल एज दैट, मैं इतना ही बोलूँ। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो अब इसी स्कोर को थोड़ा सा 5-10 नंबर कम कर लो, तो मेरे हिसाब से अगर आपका 155 से लेकर 165 के आसपास है तो आपका ओबीसी कैटेगरी में। फिर एससी एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करते हो तो आपका स्कोर अगर मान लो 90 से लेकर 95 के आसपास है, या अगर मान लो थोड़ा सा 100 भी चले जाओ इसके आसपास आपका स्कोर है 90 से 100 के आसपास, तो स्कोर फ्लिप होने के केस में आपका होने का अच्छा खासा चांस है, दैट इज माय प्रेडिक्शन यहां पे, प्लेन एंड सिंपल। इसके आगे कैटेगरीज का बटापना थोड़ा कठिन है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो जो मेजर कैटेगरीज का है जो मेजर वो है वो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी फंडा वही है कि अगर आपका स्कोर बेस्ड अपॉन द प्रोविजनल आंसर की जो आपने अभी निकाला है एंड बेस्ड अपॉन द सब कुछ, आपका स्कोर अगर मान लो 160 से लेके 165 के आसपास है, देयर इज अ क्वाइट अच्छा चांस कि आपका हो जाएगा। अगर आपका स्कोर 185 प्लस है तो यहाँ पे पक्का चांस है, 90% चांस है कि आपका हो ही जाएगा, बिकॉज उसमें कुछ भी चेंजेस आए, दो क्वेश्चन गलत होगा तो आपका स्कोर वैसे ही 195-200 भाग जाएगा, और अगर मान लो आंसर की फ्लिप भी होता है तो भी आपको जरा नुकसान होने नहीं वाला, तो आपका स्कोर देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपका हो जाए। उसके बाद अगर आप बात करते हो एससी या एसटी कैटेगरी की, उसमें वही फंडा है कि 90 से लेकर 100 के आसपास स्कोर है, अच्छा खासा चांस है हो जाने का, इतना ही मैं कहूंगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी सेम फंडा है कि आपका अगर स्कोर 150 के आसपास आ रहा है, 150-155 के आसपास, आपका होने का सॉलिड चांस है प्लेन एंड सिंपल। फिर हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, बीबीयू के अंदर भी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपका स्कोर यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपका स्कोर अगर मान लो 140 के आसपास है, 145 के आसपास है, बीबीयू में आपका होने का चांस है जनरल कैटेगरी में। 135 थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उतना जाने का मुश्किल बिल्कुल चांस लगता है, पर 140 तक अगर आपका प्रोविजनल आंसर की में स्कोर है तो आप मान के चलो कि आपका हो सकता है। और इसमें भी देखो 155 और यहाँ पे ये भी मान के चलना कि जो आपके पुरानी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी है कि 165 है 170 है, अगर मान लो आपका आंसर की सही निकल गया और आपका स्कोर और बढ़ गया तो बढ़िया बात है, बट अगर घट गया तो फिर वो भी मान के चलना कि वो और स्कोर कम हो जाएगा, दैट इज वाई आई एम सेइंग दिस फिगर। ठीक है, तो 140 के आसपास है, 135-140 के आसपास है, आपका चांस है यहाँ पे अच्छा खासा होने का, और अगर आपका स्कोर मान लो 170 प्लस है तो पक्का चांस है कि आपका हो ही जाएगा प्रोविजनल आंसर की बेसिस पे, पक्का चांस है हो जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर मान लो 70 से लेके 75 के आसपास है, सिंपल एज दैट, 70 से लेके 75 के आसपास है, बीबीयू में चांस
आपका होने का है। अब इसमें भी देखो प्रोसेस क्या है, बीबीए को थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर चलता है। यहाँ पे करीब 2 से लेकर 3 राउंड की काउंसलिंग चलती है। एक राउंड में आपको बुलाया जाएगा, फिर एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे, फिर दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर तीसरे राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगी। तो उसमें वो लोग वेटिंग लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स को डाल देते हैं। रिजर्व कैटेगरी अलग होती है, जनरल कैटेगरी अलग होती है, डब्ल्यूएस कैटेगरी, ऐसा कुछ अलग अलग होता है। फिर उसके बाद होता है कि स्पॉट काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग में क्या होगा कि वहां पे एक पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा कि भैया देखो ये से लेके ये आपके स्टूडेंट्स हैं और स्पॉट काउंसलिंग में जिसको आना है अपना आ जाओ और अपना वहां पे वो करो। तो वहां तक आपका पूरा राउंड जाएगा, तो बहुत ही लंबा लंबा राउंड जाता है। तो ये जो मैंने 140 आपको बताया है, ये आपका पहले या दूसरे राउंड की काउंसलिंग की बात कर रहा। स्पॉट काउंसलिंग हो सकता है स्कोर और ज्यादा घुस जाए नीचे, तो इसीलिए 135 भी है, या मान लो 125 तक तो बहुत कम हो जाएगा, 120 तो बहुत कम हो जाएगा, बट 135 तक अगर आपको स्कोर है तो एक उम्मीद मान के चलो कि बीबीए में मे बी हो सकता है, मे बी स्पॉट काउंसलिंग तक अगर चांस है हो जाएगा, बट उससे नीचे जाना मुश्किल है, ये आप मान के चलो। मैं आपको जो बेस्ट पिक्चर हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ बेस्ड अपॉन माई मनुष्य, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला कॉलेज है वो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ सीट्स होती है ना वो आपकी 38 होती है, तो नंबर ऑफ सीट्स कम होती है। उसमें फिर आपका रिजर्वेशन अगर आप परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पे उसके हिसाब से 50% 45 से 50% सीट जो होती है वो वहां चली जाती है। तो आपका टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो आपकी अराउंड 18 से लेकर 20 के आसपास आपकी बनती है अनरिजर्व कैटेगरी की। और इसके अंदर मैं अगर स्कोर की बात करूँ कि आपका कितना यहाँ पे जाएगा, तो आप ये मान के तो सकते हो कि जितना आपका स्कोर यहाँ पे मान लो 135 से लेके 140 के आसपास अगर आपका है बेस्ड अपॉन द प्रोविजनल आंसर की, जो आपने स्कोर अभी निकाल रखा है गलत आंसर की के बेसिस पे, अगर आपका इतना स्कोर है तो आप ये मान सकते हो कि चांस है मे बी कि आपका हो जाए। और अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं 165 से 170 है तो सीबीएसई में आपके होने का काफी अच्छा चांस है, देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि आपका हो जाए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो उसी हिसाब से आप ये दे सकते हो कि 70 से लेकर 75 का स्कोर रिजर्व कैटेगरी के लिए मैं कहूंगा, और इसमें भी आपका 100 100 प्लस का स्कोर है तो आपका अच्छा होने का चांस है। ओबीसी कैटेगरी में मैं अगर जाऊंगा तो 125 से लेकर 135 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपका अच्छा खासा चांस है। फिर पीडब्ल्यूडी या उसमें बोल पाना थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए, बट इसके अंदर अगर आपका इतना स्कोर है तो आपका अच्छा खासा चांस है कि आपका हो जाए। आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी स्पिरिट्स को डाउन नहीं करना जब तक फाइनल आंसर की ना आ जाए। और फाइनल आंसर की आने के बाद जब मैं दोबारा आप लोगों से वीडियो बना के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब्जेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करो, जिसके बेसिस पे मैं एक कंक्रीट आपको बढ़िया आंसर दे पाऊं, तब तक आप लोग प्लीज दिल मत हार के बैठना। मैंने आपको एक वो बता दिया कि इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको अभी भी होपफुल रहना चाहिए, पता नहीं क्या चीजें कैसे चेंज होंगी प्लेन एंड से। अब इसके अलावा एक फैक्टर और भी जो आपको प्ले में यहाँ पे आता है वो भी मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे ना जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है फॉर क्लैट पीजी, क्लैट पीजी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है, मई के महीने तक चलेगा। और उसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वो एग्जाम भी दिया क्लैट पीजी का, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू का भी दिया, तो वो अपनी सीटें छोड़ छोड़ के जाएंगे। वो लोग ने एग्जाम दे दिया, उनका स्कोर वहां भी अच्छा यहाँ भी अच्छा, वो अपनी सीट छोड़ के जाएंगे। कई स्टूडेंट्स वहां से सीट छोड़ के यहाँ भी आएंगे, तो वो फैक्टर आपको कंसिडर करना है कि अगर आपके मान लो मार्क्स कम भी है तो भी आपको बैक टू बैक प्रोसेस में लगना है, आपको अप्लाई जरूर करना है भले आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है। बिकॉज अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि भैया मेरिट लिस्ट आई और किसी स्टूडेंट का उसी स्कोर पे हो गया जिसपे मेरा हुआ था, तो आप घाटे में चले जाओगे। तो एक रेंज में आपको बता रहा हूँ, उस रेंज को ध्यान रखिए, होपफुल आपको इसीलिए रहना है क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे घंटे पिक्चर चेंज होती है, सिनेरियो चेंज होता है, हवा चेंज हो जाती है पूरी पूरी। तो आपको अप्लाई जरूर करना होगा व्हेन द काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट, जब भी जो आपकी यूनिवर्सिटीज होंगी खुद अपनी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसके मैं पूरा वीडियो अभी लेके आऊंगा, पूरा मैं समझाऊंगा काउंसलिंग प्रोसेस वर्क कैसे करता है क्या होता है, बट गिवन द करेक्ट टाइम मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो प्लीज आपको भाग को ध्यान रखो। अब इसके बाद जो लास्ट कॉलेज आपका है जो कि हम लोग को डिस्कस करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अब इसके अंदर समझ लो टोटल आपका इंटेक है 30 सीट्स का। इसमें भी आपका जो अगर आप रिजर्व में बात करोगे तो 50% सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहती है और बाकी सीट्स आपकी अलग अलग कैटेगरीज में जाती है। इसका जो कट ऑफ है उसके साथ फंडा क्या है ना, ये थोड़ा सा हाई जाएगा, दिल्ली के आसपास जाएगा। तो आप ये मानो कि 165 से 170 अगर आ रहा है ग्रुप तो आप सेफ जोन में हो, आपका मे बी अभी चांस हो जाएगा। और उसके बाद भी थोड़ा कम जाएगा तो कह नहीं सकते, रिजर्व कैटेगरी के जैसे आप समझ सकते हो कि 90 से 95 अगर आ रहा है 100 जा रहा है तो होगा। अब इसमें भी देखो एक फंडा क्या है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में इंटरव्यू होता था पहले, कि रिटन एग्जाम हुआ, फिर आपका इंटरव्यू हुआ और फिर उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो यहां पर भी केवल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका सीबीटी का स्कोर आ गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ना 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 ना,
हो सकता है कि उसके बाद सीवीटी के बेसिस पे वो आपका इंटरव्यू भी लेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई क्यों आप चाहते हो आना, आप यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के अंदर पढ़ना, एलएलएम क्यों परस्यू करना चाहते हो बताओ हमें, आपको बताना पड़ेगा और फिर उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। तो आप ये मान के चलो कि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप इंटरव्यू में बैठोगे नहीं, तब तक आपका पता नहीं चलेगा। तो आपका स्कोर का मैं आपको एक मोटा मोटी बता रहा हूँ, अगर आपका स्कोर मान लो 190 के आसपास है, 180 190 आपका पक्का पक्का चांस है यहाँ पे इंटरव्यू में आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ अगर आपने अप्लाई किया तो। इसका काउंसलिंग प्रोसेस भी कहीं ना कहीं देर से ही चालू होगी, एग्जाम इन्होंने पहले कंडक्ट करा, काउंसलिंग देर से ही चालू होगी कुछ भी आपको। तो दैट इज अ बेसिक फंडा यहाँ पे टेस्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सीवीटी एलएलएम की एग्जाम, वो आप मुझे कमेंट नीचे बताओ, मैं आपकी कोशिश करूंगा सारे के सारे कमेंट्स आंसर करने की। मैं इसके साथ में एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा ये डिस्कस करते हुए कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस वर्क कैसे करता है, कैसे आपको किस फॉर्म को भरना है, और प्लस जो हमारा एक सर्वे है संभव लॉ के फीडबैक का, प्लीज उसको भरिए, प्लीज हमें बताइए कि हमें कैसे इंप्रूव करना है। अगर आपको फायदा हुआ हो हमारे वीडियो से तो प्लीज हमें उसमें भी हेल्प करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू टू सक्सेस।